फोटोशॉप लेटेस्ट फीचर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो फोटोशॉप से जुड़ा है, जिसे मैं आपको फोटोशॉप के एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सच में बहुत ही गजब का फीचर्स है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने फोटोशॉप यहाँ ओपन कर रखा है। फोटोशॉप सीसी 2018 में एक ऐसा फीचर्स मौजूद है जिसकी मदद से आप मात्र एक क्लिक करके किसी का भी बैकग्राउंड बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। आप में से बहुत से यूजर्स ऐसे होंगे जो फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें फोटोशॉप के अंदर किसी फोटो को कटिंग करना होता है तो हम इसके लिए अलग अलग टूल का यूज करते हैं। सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं, पेन टूल का यूज करते हैं, मैचिंग बैंड टूल का यूज करते हैं, मतलब हर तरीके के टूल हम फोटो की कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन फोटोशॉप सीसी 2018 के अंदर एडोब कंपनी ने एक ऐसा फीचर्स जोड़ दिया है जिसका इस्तेमाल करके आप मात्र एक क्लिक करके किसी का भी बैकग्राउंड बहुत ही आराम से रिमूव कर सकते हैं, और वो भी इतने फास्ट रूप से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस टूल का इस्तेमाल अलग अलग फोटो में करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे अलग अलग तरह की यहाँ फोटो ओपन कर रखी है। ये कुछ फोटो है, इन्हीं फोटो के अंदर हम उस टूल का यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी फोटो के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ एक फोटो ओपन कर लिया है और सबसे नीचे यहाँ एक सिलेक्शन टूल दे रखा है, क्विक सिलेक्शन टूल। तो मैं सीधा इस पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ऊपर ये फीचर्स ओपन हो गए हैं। हमें जिस भी फोटो का बैकग्राउंड बदलना है या कटिंग करनी है तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करते ही आपके सामने फोटो कुछ इस तरह का हो जाता है और आपके सामने ये टूल बार यहाँ से ओपन हो जाते हैं। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, आप चाहें तो इसे ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, जब आप वहां ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ एक नया ऑप्शन आ जाता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो सिंपल आप इस सिलेक्ट सब्जेक्ट का मैजिक देखिए क्या होता है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये कुछ सेकंड में इस पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। देखिए अब क्या होता है, ये प्रोसेसिंग पूरी हो गई है। ये देखिए, ये इसने हमारे सामने इस पूरी फोटो की कटिंग कर दी है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस से मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बस बालों की थोड़ी बहुत कटिंग है। यहाँ इन्होंने टूल दे रखे हैं, आप इसका यूज करके इन टूल की मदद से आप इन बालों की कटिंग को थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और जो ये रिमूव हो गया इसको मैं ऐसे ठीक कर देता हूं। देखिए कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, हमने ठीक कर दिया। मैं कंट्रोल मारने से इसे छोटा कर देता हूं। अब देखिए सीधा मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूं। ओके पे क्लिक करते देखिए इसका पूरा बैकग्राउंड कटिंग हो गया है। यानी ना तो मैंने पेन टूल का यूज किया, ना मैंने सिलेक्शन टूल का यूज किया, ना मैंने मैजिक टूल का यूज किया। देखा आपने कितना आसान था इस सिलेक्शन टूल का यूज करना। अब मैं इसी टूल का यूज दूसरी फोटो में करता हूँ। ये हमारे सामने एक फोटो है, अगर मुझे इसकी कटिंग करनी होगी तो मैं नॉर्मली पेन टूल का यूज करता हूँ, लेकिन फोटोशॉप सीसी 2018 के अंदर ऐसा टूल आ गया है, इसमें क्लिक करके आप मात्र इस पूरी फोटो को बहुत ही आराम से कटिंग कर सकते हो। तो जैसा कि ये मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दिया, सीधा मैं सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक कर रहा हूँ। सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। तो सिंपल आप सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो
अब आप इसका मैजिक देखिए। ये देखिए पूरी की पूरी कटिंग इसने कुछ ही सेकंड में कर दी है। आप चाहे तो इसे जूम करके भी देख सकते हैं, जो कुछ कमी हो आप उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्टली कटिंग हुई है। तो इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही बालों की जो कटिंग हुई है वो देखिए कितनी स्मूथली हुई है। इतनी स्मूथली कटिंग पेन टूल से तो कभी हो ही नहीं सकती। तो सीधा मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए अब आप इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड बहुत ही आराम से सेट कर सकते हैं। मैं आपको इसे हिला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए। खैर अब हम अपनी तीसरी फोटो पे इस टूल का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे इन्होंने थोड़ा सा सीन दे रखा है, यानी पूरा बैकग्राउंड ही एक नहीं है। तो सिंपल मैं ऐसे सिलेक्शन टूल का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करने के बाद सीधा सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए पूरी कटिंग इसने हमारे सामने ला दी है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अगर कुछ इसमें कमी होगी तो मैं उस कमी को अभी पूरा कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, तो मैं इस वाले टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से ये चीज रिमूव कर देता हूँ। देखिए बालों की आप कटिंग देखिए कितनी स्मूथली हो रही है। मैं स्पेस का बटन दबा के इसको और देख लेता हूँ, जहां जहां ये चीजें होंगी उसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत कमी लगे तो आप उसे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ये देखिए ये भी कटिंग बहुत ही स्मूथली हो गई है। हमने तीन फोटो बेस्ड टूल को यूज कर लिया है। अब हम इस सीनरी वाली फोटो पे इस टूल को यूज करके देखते हैं कि ये टूल इस फोटो पे काम करता है या नहीं करता है। तो सिंपल मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लिया है और सीधा मैं सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक कर रहा हूँ। सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है और आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट सब्जेक्ट का। तो सिंपल आप सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपको बस थोड़ा सा वेट करना है और एक मैजिक आपके सामने तुरंत हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल स्मूथली इसकी कटिंग हो गई है। आप चाहें तो जूम करके भी इसको देख सकते हैं। जहां आपको कुछ कमी लगे उस कमी को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ी बहुत यहाँ ऐसी कमी दिख रही है, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। बालों की कटिंग देखिए कितनी परफेक्टली हुई है। तो मैं इसको कंट्रोल माइनस से छोटा करके उसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्टली इसने इसकी कटिंग कर दी है। मैं इसको कंट्रोल माइनस से छोटा कर देता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था ये। ये देखिए अब हम अपनी लास्ट फोटो पे इस टूल को यूज करके देखते हैं। ये हमारी लास्ट फोटो है जो कि बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में है। तो हम इसी फोटो को यूज करके देखते हैं। ये मैंने यहां से सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दिया और सीधा सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक किया। सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप सीधा सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप मैजिक देखिए बिल्कुल स्मूथली इसकी भी कटिंग हो गई है। कुछ कमी लगे तो उसे आप नॉर्मली इन टूल की मदद से सही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें फिलहाल कोई कमी नहीं है। अगर यही काम हमें पेन टूल या मैजिक टूल से करना होता तो इतना परफेक्टली कभी नहीं होता। मैं सिंपल इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखिए अब आप इनके पीछे किसी भी तरह का बैकग्राउंड बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो देखा आपने फोटोशॉप के इस लेटेस्ट टूल का कमाल। मात्र एक ही क्लिक से आप किसी भी फोटो को इसी तरह कट कर सकते हैं, चाहे वो फोटो किसी भी तरह की हो, चाहे किसी बैकग्राउंड पे खींची गई हो या किसी सिंगल बैकग्राउंड पे हो,
लेकिन ये जो टूल है ये लगभग सभी पे काम करता है। इसको मैंने यूज किया है तो आप भी यूज करिए। यूज करने के लिए आपको केवल सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट एंड मार्क्स पे क्लिक करना है और वहीं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। तो सिंपल आप सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक करके किसी भी फोटो की कटिंग इसी तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूर यूजफुल साबित होगा जो फोटोशॉप का यूज करते हैं और पेन टूल या सिलेक्शन टूल की मदद से किसी फोटो की कटिंग करते हैं। आगे भी आप सबके लिए फोटोशॉप से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाता रहूंगा जो आप सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टूल का यूज करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर मुझे फोन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन सभी को इस टूल के बारे में पता चल सके जो फोटोशॉप पर काम करते हैं, फोटोशॉप पर फोटो की एडिटिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।